अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक है और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग और जस्ट अभी आपको मेरे चेहरे से लग ही रहा होगा, मैं अभी फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग है और मैं अभी उठी ही हूँ। ये मेरी आईज ऐसे लग रहा है रेड हुई भी है। तो यहाँ पे टाइम हो गया है 11:45। सो क्योंकि रात को हम बहुत लेट सोए थे क्योंकि बच्चों का जो है विंटर वेकेशन चल रही है, तो इस वजह से। सो गाइस, यहाँ से अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो उससे पहले जिसने चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, सो प्लीज़ ये सब कर दें। और देखते हैं, अभी बच्चों को देखती हूँ मैं जाके कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आधा घंटा पहले ही उठ के तो दूसरे रूम में जा चुके हैं। तो चलते हैं बच्चों की तरफ। मैं जा ही रही थी बच्चों के पास, उससे पहले जो है ना अरूष यहाँ पर आ गई है मेरे पास। अरुष, गुड मॉर्निंग। ये देखें, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। मम्मा सोते सोते मेरी पोनी खुल गई। कोई बात नहीं, तो सबसे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसको देखिए ये क्या कर रही है। ये मेरी दोनों है, ये मेरी पालो है। देखो देखो देखो, जय 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 पिलते जी, मेरी दोनों है। सो गाइस, भाई क्या कह रहा है? मैं भाई को फिर से खा कफ हो रही है। फीवर तो नहीं हुआ? सो अरु, आज आप क्या करोगी सारा दिन? आप आज क्या करोगी सारा दिन? मैंने अरु के बालों पर रात को ऑयलिंग की थी और हेयर स्टाइल बनाया। मामा ने हेयर स्टाइल बनाया था। आज अरु वॉश करेगी अपने हेयर, और आज मेरा नेक्स्ट हेयर स्टाइल होगा फिर से अगेन। मामा प्लीज, आजकल आप बोलती थी ना कि अभी हेयर स्टाइल बनाना, मुझे भी हेयर स्टाइल बनाना। आजकल अरुण को ना न्यू हेयर स्टाइल्स का शौक चढ़ गया, पता नहीं क्यों। मामा कल से मुझे बोल रही है, मामा मेरा न्यू हेयर स्टाइल बनाए, मेरा न्यू हेयर स्टाइल बनाए। तो अब देखें आज कौन सा हेयर स्टाइल बनवाती है। मामा मुझे वो बोला जैसे हेयर बैंड वाला था ना, मैंने। अच्छा, और आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? एक तो सोचना बहुत पड़ता है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि क्या खाना है। गेंद पैन केक मां, प्लीज फ्राइज बन दे प्लीज प्लीज। ओके, भाई से भी पूछते हैं स्टिक वाले, स्टिक वाले कि भाई ने क्या खाना है। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो देखो, ये देखें जरा ये क्या करती है। ये ना इसको पकड़ के ना नेल्स मारती है। अभी ये उस रूम से करके आई है सोफे पे, ये तो पूरा फर खाएगी, ये पूरा फर। इसने भी शावर लेना है, चलो इसको भी शावर दो सुबह सुबह ही। ये नेल्स मारी, मैं पिटाई कर दूंगी तेरी, पिटाई कर दूंगी मैं। अभी उस रूम से फाड़ के आई है सोफा। ये बेटा क्या कर रहा है? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? व्लॉग स्टार्ट करने पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दें। बस आपकी तबीयत ठीक है? एंड बेल को डिंग डिंग कर दे। यस, बस अभी हम नाश्ता करेंगे। आपने क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? उतनी देर ब्रश वगैरह करो, फ्रेश हो जाओ। ठीक है, ये यही कुछ करती है अभी, अभी वहाँ पे और अभी यहाँ पे। इसको क्या है ये? ना मैंने ना जेक बहुत ज्यादा में कह रही हूँ, आप हमें
कमेंट करके बताए कि कैट का टॉय होता है ना, मैं मम्मा को बोल रही हूँ कैट के टॉय होते हैं ऐसे वाले, मैं बोल रही हूँ नहीं, अभी मम्मा को समझ आया कि होते हैं। मिठू से भी मिलवा मिठू से। गाइस गाइस कल से सुबह से हमारा मिठू खुला हुआ था, अब चला गया ना, बंद हो गया ना, अब नहीं कल कल से। जय राजा This is my face wash. बेस्ट फेस वॉश है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, रोज वाटर विद बेसन। वन से टू मिनट जो है ना, इसको अपने फेस पे ऐसे से अप्लाई करेंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे, दैट्स इट। हैंड्स पे भी बेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके, स्किन आपकी जो है बहुत ही अच्छी क्लियर, और आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं होगा, और अगर अभी आप मेरी स्किन पे तो देख ही लेंगे। सो 2 मिनट इसको ड्राई होने देंगे, फिर हम अपना फेस वॉश करेंगे। सो गाइस डन हो चुका है, यहाँ पे देखिए, एज यू कैन सी बेस्ट फेस वॉश है ये। सो मैं भी डेली नहीं करती हूँ, जब दिल कर जाता है कि चलो करते हैं तो ही करती हूँ, लेकिन अगर आप इसको डेली करेंगे 2 times तो बेस्टेस्ट रिजल्ट है। और मैं जो हूँ ना, दिन में एक बार ही करती हूँ, लेकिन करना चाहिए 2 times, डेली करना चाहिए, लेकिन मैं कभी एक दिन छोड़ के कर लेती हूँ, कभी 2 दिन छोड़ के, और इस तरह से। तो ये है हमारी आज की स्किन रूटीन। तो चलते हैं अब ब्रेकफास्ट की तरफ, देखते हैं क्या बनाते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ। तो आज यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, येलो किल फ्राइज बन रहे हैं, मैं अपने लिए एग बना रही हूँ, और राहिल के लिए न्यूट्रेला पे ब्रेड। सो जी गाइस, हम लोगों ने जो है ना नमाज वगैरह भी पढ़ ली, ब्रेकफास्ट भी हो गया था, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि अब मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पावरफुल हेल्दी लड्डू, मिनी मिनी से मैं इसके बॉल्स बनाऊँगी, और उसके लिए मैंने ना ये देसी घी लिया है। देसी घी में मैं ड्राई फ्रूट्स जो है ना फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास मिक्स देसी फ्रूट्स कह रही हूँ, देसी घी में मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसमें आलमंड और पिताशु और जो है ना काजू भी हैं, और मेरे पास था किशमिश भी है, ठीक है, वो मैं इसको कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है ना मेरे पास जैगरी है, वो मैं जो है ना इसको मेल्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से मेरे पास
जार में ये मिक्स फ्रूट थे जो मैंने ले लिए हैं, और देसी घी मैंने ये वाला अमूल का प्योर घी यूज़ किया है, और ये है जैगरी। तो बनाएंगे हम जो है ना पावरफुल लड्डू। तो मैंने सोचा, मैंने ये भी रेसिपी कहीं देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करें, हेल्दी होते हैं, तो बच्चों को भी बना के मैं दूँ ताकि बच्चे जो है ना खाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाती हूँ इसके बाद कि हम क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं ना ये ना निकालने लगी हूँ, देखें फ्राई हो गए हैं, और इसको हम ना इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में वापस बाहर। तो ये देखें गाइस, हमने इनको ऑयल से निकाल लिए बाहर, और ये हमारे पास सूजी, और अब हम उसी ऑयल में सूजी को फ्राई करेंगे। अभी ये देखें हमने ना कुछ सूजी जो है ना डाल दी, और इसको फ्राई कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ये देखें, ये जैगरी भी जो है ना हमारा ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ना, इन ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, इसका पाउडर सा बना लेंगे, जिसको करते हैं ग्राइंड। तो जी गाइस, ये देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे ना, वो भी मैंने सूजी को लाइट ब्राउन करके इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं जो है ना दो इलायचियाँ ऐड करूँगी, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है, तो मैं जो हूँ ना इसमें से जो इलायची के जो दाने होते हैं ना वो निकाल के अंदर, और दो इलायचियाँ मैं ना ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और साथ ही हम इसमें इसको फ्लेम ऑन कर देंगे, और थोड़ा सा इसको वेल मिक्स देंगे, क्योंकि ये बहुत ही आप कह लें कि ये सर्दियों का गिफ्ट है, और ये बहुत ही, मैं तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मैं खुद भी टेस्ट करूँगी ये कैसा बनता है या नहीं, ये वाले लड्डू कैसे बने हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही टेस्ट करूँगी। लेकिन मैंने अभी ग्राइंड करके मैंने टेस्ट किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा। और ये मैंने जो जैगरी मेल्ट किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया, इसको मिक्स करके, और अब हम अच्छे से इसको मिक्स करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जी गाइस, ये देखिए हमारे लड्डू जो है ना ऑलमोस्ट क्या, लड्डू रेडी हो गए बिल्कुल। और क्या कहते हैं, ये जो है ना सभी खा सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल और कह लें आप सर्दियों का गिफ्ट है ये लड्डू, और बहुत ही यम्मी बने हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए हैं, आप भी लाजिम ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजिम दीजिएगा। मैं आ गई नीचे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। लड्डू के बाद हम आ गए हैं नीचे, बच्चे आए थे अभी खेलने के लिए। क्या हुआ, वो अरुण को देखे, क्या हुआ, की फ्रेंड जो है ना खेलने के लिए नहीं आ रही, तो अरु सैड हो गई है। अब हम जो है ना यहाँ पे बैठेंगे। ओ शिट, बोल लगने लगा था। मैं बैठूंगी अब यहाँ पे, थोड़ी सी हवा लूँगी, फिर जाएंगे ऊपर। किस लड़की को देखें अभी, अपनी वो स्केटिंग ले आई है। राहील, वेल डन। सो गाइस, मैं गई थी नीचे, आ गई हूँ ऊपर, और जो है ना अब मैं बच्चों का वेट करूँगी, पर बच्चे भी थोड़ी देर तक आ जाएंगे ऊपर। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैंने फ़ोन चार्ज लगा के यहीं बैठ गई हूँ। तो लोग यहाँ पे एंड करूँगी, बस बच्चे नीचे खेल रहे थे, थोड़ी सी वीडियोस बनाई यहाँ पे नीचे जाके, और जो है ना अरु भी स्केटिंग करने लग गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो गाइस, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बस दुआ में याद रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।